क्या होगा अगर कैंग दी कॉन्करर लूसिफर और रावण के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है। एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग दी कॉन्करर, किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड लूसिफर, मॉर्निंग स्टार या लंकापति दशानन रावण। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ मिस ना करो। तो कैंग, लूसिफर और रावण तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंग वर्सेस लूसिफर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें कैंग की, कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका नाम नेथानियल रिचर्ड है और उसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद फ्यूचर में। कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइमलाइन, टाइम ट्रेवल, मल्टीपल कैंग, कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कैंग 13th सेंचुरी में पैदा हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नेथानियल रिचर्ड्स है, और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता लग रहा होगा ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे पता लगता है कि ये शायद डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग को भी ये पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है, जिसके बाद वो अपने पास्ट और रिचर्ड टाइटल पे रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता लगता है अर्थ 616 के फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने पुर्जों की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए पास्ट पे जाने का डिसीजन लेता है और गलती से पहुंच जाता है एंशियंट इजिप्ट में, और फिर वो वहां से वापस आने अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने के बजाय वहीं पर रहने का डिसीजन लेता है और वहीं पे अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर करके वहां का फैरो बन जाता है, जो कि वहां के लोगों के लिए गॉड की तरह था क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानता था जिसे उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे, और वो पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और नेथानियल रिचर्ड्स वहां पे आराम से रह रहा था जब तक फैंटास्टिक फोर की टीम वहां पे नहीं आ जाती टाइमलाइन को सेव करने के लिए, और क्योंकि नेथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी इसलिए वो फैंटास्टिक फोर की टीम से बहुत ही आसानी से हार जाता है। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग दी कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास अपना कोई फ्यूचर का अटैक और फ्यूचर की वेपन्स है। जिसके बाद नेथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है, पर क्योंकि ये टाइम मशीन उतनी भी परफेक्ट नहीं थी और बहुत ही पुरानी थी इसलिए वो गलती से पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में जहां पे एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम थे, जिसके बाद वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। बट स्टिल क्योंकि नेथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, ना ही उसके पास अभी तक उसका फ्यूचर का कोई अटैक है और ना ही अभी तक वो कैंग दी कॉन्करर बना है, वो एवेंजर्स से बहुत बुरी तरह से आता है। एंड देन अगेन फिर से एक शर्मनाक हार के बाद नेथानियल फिर से अपने टाइम मशीन में बैठकर अपने 13th सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है, बट स्टिल उसकी टाइम मशीन उतनी परफेक्ट नहीं है और पता नहीं क्या ही है, वो फिर से टाइम स्टोन के चलते हमारे टाइम से 2000 साल आगे और अपने टाइम से 1000 साल आगे पहुंच जाता है 14th सेंचुरी में। और जब वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सभी मशीनों और ह्यूमंस के बीच में वॉर चली हुई है और पूरी ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये मशीन उनके टाइम की नहीं थी बल्कि पास की थी इसलिए 14th सेंचुरी में किसी को भी ये पता नहीं था कि इन मशीनों को कैसे यूज करना है। और क्योंकि नेथानियल पास से आया था और ये सभी मशीन्स उसी के टाइम की थी इसलिए वो इन सभी मशीन्स को यूज करना जानता था, और वो इन सभी मशीन्स को बंद करके वॉर को रोकने के बजाय इन मशीन्स का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है और 14th सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है, जिसके बाद वो अपने लिए एक नई आइडेंटिटी लेता है और नेथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग दी कॉन्करर। पर वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टैक और टाइम ट्रैवल का यूज करके वो उस टाइम की पूरी गैलेक्सी को कॉन्कर कर लेता है। और इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है, और इन सब टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। और अगर किसी फाइट में कैंग हारने वाला होता है तो वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चला जाता है और अपने पास्ट वाले वेरिएंट को बताता है कि कैसे वो इस फाइट को हारने वाला था और क्या करके वो इस फाइट को फ्यूचर में जीत सकता है। इसके अलावा मल्टीवर्स में काउंसिल ऑफ कैंग भी है जिसमें मल्टीवर्स के सभी कैंग है, और वहीं पर है एक सुप्रीम कैंग जिसका मेन मोटिव सभी टाइम के सभी यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना है। बात करें कैंग के पावर्स की तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है और वो बस जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है। पर कैंग की सबसे बड़ी वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और उसका आर्मर, जो कि उसे सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और टाइम ट्रैवल जैसी एबिलिटीज देता है। और उसने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर मल्टीवर्स के अगर किसी भी सिनेरियो में कैंग मरने वाला होता है तो उसके आर्मर के अंदर की एक डिवाइस उसकी कॉन्शियसनेस को उन क्लोन्स में शिफ्ट कर देती है, जो कि किसी दूसरी टाइमलाइन में सेफ लोकेशन पे होते हैं, और ये एबिलिटी कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स, और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं लूसिफर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल
पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन थी, इसलिए गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था और वो सबसे पावरफुल एंजल है। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेवन में ही रहता था, पर बाद में गॉड ने उन्हें हेल का रूलर बना दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी है, पर बाद में चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया गया और वो बन गया डीमन लॉर्ड डेविल। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स है। और हाँ, गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरमैन स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है और इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बहुत ही कम ऐसे करेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बींग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में जा सकता है। साथ ही लूसीफर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी दूसरे प्लैनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हरा पाना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर है, जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिसकी वजह से उसके यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेलफायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। इसके अलावा लूसीफर किसी की भी बॉडी से उसकी सोल को निकाल सकता है, डेमन्स और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। साथ ही लूसीफर जीना से इंटेलिजेंट भी है और जैसे लूसीफर अपनी डेमन वाली फॉर्म में जाता है तो उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिससे लोगों के डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स के बारे में पता लगा सकता है और उनको इल्यूजंस भी दिखा सकता है। वैसे लूसीफर के पास और भी बहुत सारी वेपन्स और पावर्स हैं, पर हम उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। वे थी लूसीफर की पावर्स और लूसीफर और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग बहुत ही पावरफुल करेक्टर है, जो कि फ्यूचर से आया हुआ एक ह्यूमन है जो टाइम ट्रैवल कर सकता है और उसके पास बहुत सारा फ्यूचर का टैक और एडवांस वेपन्स भी है। पर दूसरी तरफ लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट क्रिएशन है और ऑलमोस्ट गॉड के बराबर ही पावरफुल है। कैंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसने बहुत सारे प्लैनेट और गैलेक्सियों तक को कॉन्कर किया है, पर दूसरी तरफ लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि अपने एक ही अटैक में उन गैलेक्सियों के साथ साथ पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कैंग के पास फ्यूचर की बहुत ही एडवांस और पावरफुल वेपन्स है, पर उन वेपन्स का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि अर्थ या किसी भी दूसरे प्लैनेट की वेपन्स का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हरा पाना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है, जो कि फ्यूचर में नहीं मिलती और ना ही कैंग का टैग उसे इस बारे में कुछ बता सकता है। कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाकर लूसीफर को पैदा होते ही मारने की कोशिश कर सकता है, पर अगर वो ऐसा करता है तो उसका सामना सीधे गॉड से होगा और मुझे नहीं लगता कि कैंग गॉड से फाइट करने की कोशिश भी करेगा। कैंग ने बहुत सारे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को कॉन्कर किया है, पर लूसीफर उसी हेल का डीमन लॉर्ड है जहां पर कैंग बनने के बाद जाने वाला है। लूसीफर अगर चाहे तो वो कैंग की तरह सिर्फ देखकर उसकी कॉन्शियसनेस, सोल और बॉडी तीनों को एक साथ ही हेल में ट्रैप या डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर खैर जो एंटमैन 3 में एंटमैन से आने वाला है उसको तुम लूसीफर से क्या ही कंपेयर करोगे। इन द एंड ऑफ द डे कैंग द कंक्वेरर जीनियस लेवल इंटेलिजेंट और पावरफुल तो है, पर एंड में वो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो कि ना ही लूसीफर को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि लूसीफर कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। और लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा लूसीफर। तो बात कर लेते हैं कैंग वर्सेस रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महर्षि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत और कठोर तपस्या करके इतनी ज्यादा शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार कठोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल हो गया और उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। इसलिए जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहां पर उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से कोई भी देव, दानव, नाग, राक्षस या जानवर ना ही रावण को मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे, और रावण को मारना या हरा पाना
सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था। इसलिए उसने एक बार यमराज पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्प विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी युद्ध कर उसे बंदी बना दिया था। रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल था और उसका कवच इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि वज्र सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे। और रावण के रीजनरेशन और फाइटिंग स्किल्स को फाइनल फाइट में देख ही सकते हो, जब उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महावीर योद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को एक ही सेकंड में ब्रह्मा के तमसास्त्र से मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि अगर कहीं उसने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज किया तो वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था और वो हर तरह के कॉम्पैक्ट और वेपन्स को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और साथ ही रावण की हर एक वेपन मैजिकल और सुपर डिस्ट्रक्टिव होती थी, जो कि अर्थ या किसी भी दूसरे प्लेनेट को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो ये थी रावण की पावर्स। और रावण और कैंग की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग बहुत ही पावरफुल करेक्टर है जो कि फाइट में मोस्टली डिपेंड करता है अपने फ्यूचर के एडवांस अटैक और एडवांस वेपन्स पर रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इवन ब्रह्मास्त्र वज्र और सुदर्शन तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते, इसलिए कैंग की किसी भी वेपन का रावण पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ रावण के पास उसकी बहुत सारी मैजिकल पावर्स और सुपर डिस्ट्रक्टिव दिव्य अस्त्र भी हैं, जो कि एक ही सेकंड में कैंग की एग्जिस्टेंस तक को यूनिवर्स से इरेज कर सकते हैं। कैंग अपने पास्ट और फ्यूचर के वेरिएंट्स को बुलाकर इस फाइट को जीतने की कोशिश कर सकता है, पर रावण के पास ब्रह्मास्त्र जैसे सुपर पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, जो कि एक ही सेकंड में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। कैंग के पास एक एडवांटेज है जो कि उसका ह्यूमन होना, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को हरा और मार सकता है। पर फिर सवाल आता है कैसे, क्योंकि कैंग के पास उसका फ्यूचर का अटैक और एडवांस वेपन्स तो है, पर फिर भी वो फ्यूचर से वह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो कि रावण के एक नॉर्मल से अटैक को भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जबकि रावण अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका है, जो कि ऑब्वियसली कैंग से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। हाँ, अगर कैंग पास्ट में जाकर विभीषण को ढूंढ कर नाभि में अमृत के बारे में पता लगा ले वो अलग बात है। रावण की नाभि में अमृत है जो कि उसे सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर्स प्रोवाइड करता है, जिससे रावण ऑलमोस्ट इमॉर्टल बन जाता है। इसलिए मान लो संभव, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर मान लो संभव अगर कैंग रावण का सिर भी काट देता है फिर भी रावण इससे नहीं मरेगा, बल्कि वहां पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा और रावण वैसे ही फाइट करता रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। रावण का आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इवन वज्र सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे, इसलिए कैंग के पास चाहे कितना ही उसका फ्यूचर का अटैक और एडवांस वेपन्स क्यों ना हो, एटलीस्ट वो वज्र या सुदर्शन से तो पावरफुल नहीं हो सकती। इसलिए कैंग की सभी वेपन्स और सभी अटैक्स रावण के अगेंस्ट इफेक्टलेस होंगे और उनका रावण पर कोई भी असर नहीं होगा। और वैसे भी जो एंटमैन 3 में एंटमैन से आने वाला है उसको तुम रावण से क्या ही कंपेयर करोगे, जिसको हराने के लिए खुद भगवान को अवतार लेके आना पड़ा था। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कैंग टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाए और रावण को पैदा होते ही मार दे, जो कि वो कर भी सकता है और इस तरह से वो इस फाइट को जीत सकता है। पर अगर कैंग ऐसा करता है तो रावण कभी बड़ा ही नहीं होगा और ना ही वो बड़ा होकर कैंग के साथ फाइट करेगा, इसलिए ये फाइट कभी होगी नहीं। पर अगर कैंग ऐसा नहीं करता और फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में कैंग और रावण के बीच में फाइट होती है तो रावण इस फाइट को इजीली जीत लेगा। हालांकि कैंग जैसे ही मरने वाला होगा उसका आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसकी दूसरी क्लोन बॉडी में शिफ्ट कर देगा, फिर भी रावण एटलीस्ट उसके सामने वाली बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा और इस फाइट को इजीली जीत लेगा। इन दी एंड कैंग ना ही रावण को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि रावण कैंग को मार भी सकता है और हरा भी सकता है, इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट में रोका और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा रावण ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।